Hi everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me, Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So many of you haven't subscribed yet. Please subscribe my channel. So student, today we're gonna talk about common salt. So now let's start the video. So student, अब salt का actual definition जानने के बाद और types of salt जानने के बाद अब हमारी गाड़ी रुकती है sodium chloride पर. Okay? जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो हमारे किचन में यूज़ होता है ना, उसे बेसिकली हम सोडियम क्लोराइड ही कहते हैं. ठीक है, वो एक न्यूट्रल सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट मतलब स्टूडेंट, कई सॉल्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं. मतलब उनमें कुछ थोड़ा बहुत भी एसिड कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होगी. या कई ऐसे सॉल्ट होते हैं जिन्हें हम बेसिक सॉल्ट बोलते हैं. मतलब उसमें थोड़ा बहुत भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है, हम उन्हें बेसिक सॉल्ट बोलते हैं. तो सोडियम क्लोराइड हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है. ऐसा क्यों हुआ? मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है सॉल्ट, आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कैटेगरी में. तो स्टूडेंट, अब ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है? आपको पता है, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होती है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो यहाँ पर जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना स्टूडेंट, वो बेसिकली न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं. क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपने ले लिया, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, सपोज कर लो HCl मैंने ले लिया, या स्ट्रॉन्ग बेस आपने ले लिया, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, सपोज करो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब केमिकली रिएक्ट होते हैं तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है. ऐसा क्यों? आपने मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर लेना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, सॉल्ट कैटेगरी में, और वाटर का फॉर्मेशन होता है. तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर एक बात जान लो, ये सॉल्ट ऑप्टेन कहाँ से होता है? मतलब ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, ये बेसिकली लैबोरेटरीज में ऐसा ऑप्टेन किया जाता है. लेकिन अगर हमें सपोज कर लो लार्ज स्केल में सॉल्ट ऑप्टेन करना होगा, तब हम कैसे ऑप्टेन करेंगे? तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट, नेचर ने ऑलरेडी हमें दे रखा है, ये अबंडेंस क्वान्टिटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है नेचर में. आपने सी वाटर का नाम सुना होगा, ओशंस कई बार सुना होगा ना, ये बहुत, सी वाटर बहुत खारा होता है, बहुत इसमें नमक है, बहुत सॉल्टी है, मतलब उसमें सॉल्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि अगर हमको सोडियम क्लोराइड अबंडेंस क्वांटिटी में चाहिए, लार्ज स्केल में चाहिए, तो हमें कहाँ मिलेगा? हमें सी वाटर में ये अवेलेबल है, हमें वहाँ से मिलता है. तो अब हम सी वाटर से कैसे उसे ऑप्टेन करेंगे स्टूडेंट? ये बेसिकली एक लेंथी प्रोसेस है, जब आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे तब आपको समझ भी आएगा. लेकिन फिलहाल आप इतना जान लो कि सी वाटर को हमने एक शैलो स्फेरिकल बॉल में लिया, कुछ दिन तक उसे हमने छोड़ा, सनलाइट की रेज उस पर पड़ी, वो सी वाटर, ऑब्वियसली वाटर है तो वो जब सनलाइट उसे, मतलब हीट एनर्जी एक्सटर्नल मिलेगी, तो वो इवेपोरेट होकर एटमोसफेयर में रिलीज होगा, है ना, और सॉल्ट हमें मिल जाएगा. लेकिन ये जो सॉल्ट हमें मिलता है ना, वो सोडियम क्लोराइड नहीं होता है स्टूडेंट, क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है. आई रिपीट, सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है. तो हमने सी वाटर के पानी को इवेपोरेट कर दिया, हमें सॉल्ट मिल गया. अब वो सॉल्ट को हम बहुत रिफाइन करते हैं, तब जाकर के हमें सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिलता है, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. लेकिन क्या सोडियम क्लोराइड सिर्फ सी वाटर में अवेलेबल है? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ये अंडरग्राउंड में भी अवेलेबल है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट. कैसे, आइए जानते हैं. यहाँ पर आप थोड़ा ये देख लें, नेचुरली ऑकर्ड इन सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री कम्स फ्रॉम सी वाटर. ठीक है, और कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करने का, या तो सी वाटर में या तो अंडरग्राउंड डिपॉजिट में. तो सी वाटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अंडरग्राउंड
डिपॉजिट से हम सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट, रॉक सॉल्ट का आपने नाम सुना होगा, सिंध नमक हम उसे बोलते हैं, है ना। तो वो ब्राउन कलर का होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। वो अंडरग्राउंड डिपॉजिट से हम उसे माइन करते, जैसे कोल माइन होता है ना स्टूडेंट, तो वैसे ही समझ लीजिए ये रॉक सॉल्ट भी माइन होता है। अंडरग्राउंड में अवेलेबल, इसलिए हमने कहा अंडरग्राउंड डिपॉजिट, समझ रहे हो? ठीक है, तो क्या फ़र्क है एक सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करने का और एक अंडरग्राउंड डिपॉजिट से? फिलहाल आप इतना ही जान लो स्टूडेंट। बेसिकली होता क्या, सोडियम क्लोराइड जो सी वाटर से ऑब्टेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिफाइन होता है, और जो रॉक सॉल्ट है वो लेस रिफाइन है एज कंपैरिजन टू सोडियम क्लोराइड। फिलहाल आप इतना डिफरेंस जान लो, आपके लिए बहुत है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, द रॉक सॉल्ट विच वी डिग और टूडे कम्स टूडे फ्रॉम द अर्थ वॉज फॉर्म्ड वेन द एंशियंट सी। ये रॉक सॉल्ट जो हम डील करते हैं अंडरग्राउंड में, ये कहाँ से आया स्टूडेंट? ये बेसिकली पहले ज़माने में समुद्र हुआ करता था, सी हुआ करता था, जो इवेपोरेट बहुत थाउजेंड ईयर्स अगो इवेपोरेट हो चुका है ना, और हम वहाँ से माइंड करते हैं, मतलब वहाँ से हम डिग करते हैं रॉक सॉल्ट। आप देखो, द रॉक सॉल्ट विच वी डिग और टुडे फ्रॉम द अर्थ वॉज फॉर्म्ड वेन द एंशियंट सी ड्राइड अप बाय इवेपोरेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो इतना आप बस, आप फिलहाल इतना ही जानो स्टूडेंट, आपके लिए बहुत है। तो चलिए अब आइए इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे वीडियो में आपको एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन लाइन कंटेंट मिलेंगे। आप साइड बुक में चले जाओ या अदर ट्यूटोरियल को अगर फॉलो करते हो, आपको सारा ऑल इन वन मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं तो आपको क्वांटिटी देती ही हूँ, कंटेंट बहुत अच्छा है नो डाउट, प्लस आपको क्वालिटी भी देती हूँ, मतलब कम टाइम में आप किसी भी चीज़ को कितने आसान भाषा में सीख सकते हो, है ना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और इसे जितना शेयर हो सके आप शेयर करें। मेरे वीडियो देखने के बाद मैं आपको इतना इंश्योर करा दूँ, आपको साइड वाइड इधर इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ मेरे वीडियो पे कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हो। अब आ जाओ स्टूडेंट, अब कॉमन सॉल्ट का यूजेस। सबसे पहला यूजेस आप जानो, वो आप भी जानते हो, आपको पता भी है, ये कुकिंग में यूज़ होता है, खाने में हम ऐड करते हैं फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए, फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। कोई भी खाना बनाओ उसमें नमक नहीं डालो तो कुछ फ्लेवर समझ में आता है नहीं, बट जैसे ही हमने सॉल्ट का एडिशन किया उस फूड पर, फ्लेवर उभर कर आ गया, इन्हांस हो गया। और इसका क्या यूजेस है स्टूडेंट, अचार में हम डालते हैं नमक एज अ प्रिजर्वेटिव्स, बेसिकली उसे कहते हैं स्टूडेंट जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, जो सड़े नहीं गले नहीं, उसको प्रिजर्व करके रहे। जैसे इजिप्ट में को हम वो सॉल्ट वॉल्ट डाल के प्रिजर्व करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। जैसे नमक का, सॉरी अचार का क्या है प्रिजर्वेटिव? ऑफ कोर्स तेल एंड नमक, है ना। तो वैसे ही सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है पिकल्स में, ये सोप के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। और अब यहाँ से आप जानो स्टूडेंट, बहुत कम लोगों को ही पता है, फॉरेन कंट्री में जहाँ विंटर्स में स्नोफॉल बहुत होते हैं, आपने देखा होगा कई बार रोड पे ना स्नो बहुत सारे जम जाते हैं स्नोफॉल की वजह से, रात भर विंटर में जब स्नोफॉल होता है तो रोड पर स्नो बहुत सारे जम जाते हैं, तो उन्हें हटाया कैसे जाता है स्टूडेंट? उन्हें ये सॉल्ट डाल करके, यही कॉमन सॉल्ट डाल करके हटाया जाता है। देखो ना, मैंने लिखा एक्ट एज आइस कंट्रोल केमिकल ऑन रोड ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। ये सॉल्ट क्या करता है, उस आइस को मेल्ट कर देता है,
कैसे करता है ये सारे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब सॉल्ट हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट करता है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नमक खाना हमारे बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट है। अब इसका ये मतलब नहीं है आप दिन रात बैठकर नमक ही खाते रहो, ज़्यादा नमक भी हार्मफुल है। मैं तो कहूँगी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट, जो हम नमक खाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, उसकी फंक्शन को अच्छा करने में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारा कॉमन सॉल्ट। अब देखो स्टूडेंट, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl इन द स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये क्या हो गया, अब इसका मतलब जाने आप। तो देखो स्टूडेंट, हमने पहला एक चीज़ जाना कि कॉमन सॉल्ट को खाने से हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा प्रॉपरली फंक्शन करता है, और कॉमन सॉल्ट को खाने से हमारा स्टमक अच्छे से फंक्शन करता है, मतलब हमारा स्टमक अच्छे से फूड को डाइजेस्ट करेगा। कैसे अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, क्या करेगा, स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो राइट अमाउंट में उसका फॉर्मेशन करेगा। मतलब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, आप सभी जानते हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है, उसके फॉर्मेशन को बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट में स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्यूरेट अमाउंट में उसका प्रोडक्शन होता है। अगर ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है ना, एसिडिटी हो जाती है। अगर कम हो गया तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या करता है, उसके प्रोडक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट में उसके प्रोडक्शन को, आप बस इतना समझ लो, सोडियम क्लोराइड खाने से हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन बिल्कुल सही अमाउंट में होता है। हो गई बात, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब क्या होता है ना, कॉमन सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड है, ये बहुत सारे केमिकल बनाने में हेल्प करता है जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है। अब कौन कौन सारी केमिकल को बनाने में यूज़ करता है, आइए जानते हैं। तो बेसिकली ये रॉ मटेरियल है। सपोज़ कर लो आपको घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए स्टूडेंट, आपको सीमेंट चाहिए, आपको सैंड चाहिए, आपको ब्रिक्स चाहिए, तो ये सारे रॉ मटेरियल हो गए ना। तो वैसे ही स्टूडेंट, बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए ये सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करता है। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन सा केमिकल है जिससे सोडियम क्लोराइड से वो केमिकल बनता है। तो पहला बनता है स्टूडेंट कास्टिक सोडा, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, ठीक है। वॉशिंग सोडा, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्ट है। बेकिंग सोडा, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज़ अगेन अ सॉल्ट, और सोडियम मेटल। आप देखो ना स्टूडेंट, सब में सोडियम आ रहा है, सोडियम 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 सोडियम, मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये बेसिकली आप जान लो एक रॉ मटेरियल है। ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में, ठीक है। मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है वॉशिंग सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, कास्टिक सोडा के बारे में, प्लेलिस्ट में जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के कैटेगरी में। अब देखो स्टूडेंट, ये सारे तो सॉल्ट हो गए, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा, बट कास्टिक सोडा एक सॉल्ट नहीं है, ये एक बेस है। आप, मैं अगेन बोल रही हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। इनके यूजेस, मैन्युफैक्चरर्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, यूजेस, मैन्युफैक्चरर्स, हाउ दे आर ऑब्टेंड, व्हाट आर देयर केमिकल्स नेम, फॉर्मूला एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा सॉल्ट हम बेसिकली कहते किसको है, इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, इसके यूजेस क्या है, और ये ऑब्टेन कैसे की जाती है लार्ज स्केल पर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड
God bless you all.